नवगछिया के रंगरा में एक मां ने अपनी बेटी के साथ केरोसिन तेल छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर दिया। शोर की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने आग पर काबू पाया और आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विजय ठाकुर और उसकी पत्नी हेमा में अक्सर विवाद रहता था। दरअसल हेमा को सिर्फ दो बेटियां होने की वजह से ताना दिया जाता था, जिसे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट।